रखो जी हमारे साथ जो अभी शर्मा, अभी बताओ यार यहाँ का क्या रिव्यू आपको इस पार्क को लेके, आप क्या कहना चाहते हो? इतना अच्छा फील होता है ना, मन करता है यहीं पे रहें, घर जाने का मन ही नहीं करता यहाँ पे, इतनी ताजी ताजी हवा आती है ना। सही, अंकल यहाँ पे आके योगा कर रहे हैं, वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर की बातें करते हैं, ये हुआ चुगलियाँ करती हैं आंटियाँ, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेसेस है ये, प्लेस है ये वाली भाई, चुगलियाँ तो जरूरी है लाइफ में। गाइस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डोगरा भाई बोल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं बड़े दिन बाद आया हूँ आपके सामने, और जो आज का नया ब्लॉग है ये, और जो आज का ब्लॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं आज फिर से कठुआ की नई प्लेस लेके आया हूँ गाइस। पे शक्ल मत देना, अभी तक मुँह धोया सुबह सुबह का टाइम है, तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया हुआ है, ये देखो ये मेरा फ्रेंड है गाइस, तो ये अभी शर्मा है, ये भी मेरे साथ आया हुआ है। खैर हम डेली आते हैं, पर आज मैं सोचा यार ब्लॉग बना लेते हैं, कठुआ का थोड़ा और एक्सप्लोर करते थे। यहाँ पे नया एक पार्क खुला है जिसका नाम है के बिरला पार्क, आप जो यहाँ जो इस वीडियो का जो टॉपिक है उसमें आपको पता चल ही गया होगा। मैं सबसे पहले बता दूँ ये जो पार्क है ये कठुआ में कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है कालीबड़ी में, कालीबड़ी चौंक है जो उसके थोड़ी सी आगे जाके, मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, यहाँ से आप देख लो बड़ी चौंक है, ठीक है ये कालीबड़ी चौंक है। यहाँ से जैसे कि जो कठुआ का रास्ता आता है अंदर को चले जाना, और यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के आगे ये देखो ये लैंडमार्क है, ये एंट्री का गेट है, के बिरला पार्क है, मैं आपको ले जाता हूँ आगे भी। पार्क बहुत अच्छा है, और ये जो पार्क बना हुआ है ये यहाँ का जो सिटी है, मैं बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे कठुआ की, तो उन्होंने ये मेंटेन किया और बनाया हुआ था, बहुत अच्छा है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर आओ यहाँ पर और एक्सप्लोर करो। देखो अभी ये सुबह का टाइम है, लोग थोड़े कम आए हुए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं चलो अभी ये है कि वीडियो बड़ी अच्छी बन जाएगी, ब्लॉग अच्छा बन जाएगा। देखो ये है के बिरला पार्क डेवलप्ड बाय चनाब टेक्सटाइल मिल्स, ये मेन एंट्री है गेट की, देखो ये के बिरला है, इनका स्टैचू बना हुआ है यहाँ पर। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे आइएगा आप ज़रूर, और आपको मैं पूरा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। मैं कठुआ में ऐसे पार्क बन रहे हैं यार, बहुत और क्या चाहिए हमें, इतनी खुशी की बात है। यहाँ की एक बात और ख़ास है, यहाँ के जो ख़ास ये बात है कि जो भी यहाँ पे जो फ्लावर या प्लांट वगैरह जो भी यहाँ पे उगाया हुआ है, उन्होंने सभी प्लांट का नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और मैं कहता हूँ ये तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो लोग बॉटनी वगैरह या जो जूलॉजी वगैरह जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो कि प्लांट के रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आसानी ये है कि वो यहाँ पे आगे रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी तरह के प्लांट्स हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में या इंडिया में नहीं पाए जाते, इन्होंने इम्पोर्ट करवाए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे प्लांट्स वगैरह है, और आपको काफ़ी नॉलेज उनसे मिल सकती है। भाई यहाँ पे आओ और एक्सप्लोर करो, और मैं तो कह रहा हूँ जैसे मैंने जो पिछला ब्लॉग था वो था ड्रीमलैंड पार्क का, तो ये तो उससे भी मस्त ब्लॉग है, मैं कह रहा हूँ आप देखो। और यहाँ का जो व्यूज़ है देखो यार, जो कैमरे की बात होती है आपको पता ही, और कैमरे की बात कुछ और है, ठीक है कैमरे में तो जितना हम शो दिखा सके उतना ही होता है, बट जो अब आप खुद आओगे तो यहाँ की यार बात ही कुछ और है, आओगे आपको खुद ही पता चल जाएगा यार वाकई यार ये जो है यहाँ का पार्क है यार बहुत ही मस्त बनाया है उन्होंने। चलो साइज़ में इतना बड़ा नहीं है, बट जितना भी है ना ये काफ़ी है भाई, इनफ है। और देखो यहाँ का यार सुबह सुबह का जो ऑर्गेजमिक व्यू है भाई, कहीं नहीं मिलने वाला भाई, लिख के ले लो भाई। तो देखो ये हमारे साथ जो अभी शर्मा, अभी बताओ यार यहाँ का क्या रिव्यू आपको इस पार्क को लेके, आप क्या कहना चाहते हो? इतना अच्छा फील होता है ना, मन करता है यहीं पे रहें, घर जाने का मन ही नहीं करता यहाँ पे, इतनी ताज़ी ताज़ी हवा आती है ना। सही बात है, ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, यहाँ पे आओगे ना कभी भी
जरूर ट्राई करना है, मेरी तो यही एडवाइस है आपसे, एक बार ट्राई करो, आओ घूमो इंजॉय करो। यार देखो ये पार्क ऐसा ना, अगर आपको जैसे मैं कभी मैं खुद डिप्रेस्ड फील करता हूँ, जैसे कुछ होता है या कई बार मूड ख़राब होता है, सबका हुआ होता है, ठीक है, तब कुछ नहीं है, शूज़ पहनो आ जाओ बस। हाँ भाई एक चीज़ हो रहा है, एक यहाँ पे एडवाइस ये है, मास्क पहन के आओ अंदर जाके, चाहे आप खोल दो, बट मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा 24 घंटे मास्क पहन के रखा करो। अगर आप बाहर हो, घर पर नहीं बाहर हो, तो यहाँ पर यह है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं ना, उनका थोड़ा सीन है, वो थोड़ा मतलब कि स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए आपको भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है, मास्क पहन के आ जाओ। बाकी जितनी देर रुकना है, कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आ जाओ जितनी देर रुकना है, अपने फ्रेंड्स को लेकर अपनी फैमिली को लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ आओगे आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या चीज़ है। और भाई मैं ये नहीं कहता कठुआ वाले हैं, कोई भी जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रहा है, आपको पता ही है कठुआ जो सिटी है वो जब पंजाब के बॉर्डर में ही है, J&K की पहली सिटी है। तो जैसे ही आप विज़िट कर रहे हो कठुआ में, अगर रास्ते में, तो आप प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप आओ देखो यहाँ का माहौल। लोग आते हैं सैर करने आते हैं, रनिंग का अलग पाथ है, और ये बीच में ज़्यादातर पार्कों में आपको चेयर्स वगैरह देती है, यहाँ पे पत्थर भी है, तो आप पत्थर पे बैठ के भी अपना काम चला सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, फैसिलिटी ये है कि जो एक्यूप्रेशर वगैरह होते हैं, है ना, तो देखो कैसे एक्सरसाइजें हो रही हैं, जो एक्यूप्रेशर के लिए भी इन्होंने एक पाथ बनाया हुआ है छोटा सा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप नंगे पाँव यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो ये एक्यूप्रेशर बनाया है उन्होंने, और ऐसे वाले एक नहीं है, दो हैं, एक्यूपंचर पाथ, इसी के साथ में ये गार्डन है। भाई इतना मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको, अगर आप एक बार आओगे ना पार्क में, तो आप डेली आओगे, इतना मैं कह सकता हूँ। देखो ये रनिंग पाथ है, यार मेरे पास गिम्बल नहीं है ना, अभी फ़ोन से काम चलना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो शेक हो जा रही है। देखो यहाँ पे पूरी टॉयलेट्स की और ड्रिंकिंग वाटर की पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे, साथ साथ ओपन जिम भी है यहाँ पे, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप योगा करना चाहते हो, ठीक है, आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हो, बहुत अच्छी प्लेस है, और आप सुबह सुबह भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं। हाँ भाई इसकी टाइमिंग है मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक सुबह होती है, और शाम को 5 बजे से लेके क्या सुबह पाँच बजे से होती है, तो शाम को होती है कितने बजे से होगी, शाम को 4 बजे से लेके आई थिंक 9 बजे तक होगी। कोई बात नहीं, बाहर बोर्ड लगा मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड पर भी आपको बता दूंगा मैं वीडियो में, यहाँ से दिखाएंगे आपको। हाँ देखो यार गोल्डन फिशेस भी दिखाएंगे, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है यहाँ पे इन्होंने, अंकल यहाँ पे आके योगा कर रहे हैं, वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर की बातें करते हैं, ये हुआ चुगलियाँ करती हैं आंटियाँ, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेस है ये वाली, भाई चुगलियाँ तो ज़रूरी है लाइफ में, समझ सकते हो भाई, बेहतर समझ सकते हो। देखो यार मेंटेनेंस मस्त है यार, और कुछ नहीं है भाई, देखो फ्री का पार्क है, ठीक है ना, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, तब भी इतनी मेंटेनेंस रख रहे हैं, सोच सकते हो भाई, आपको पता है इंडिया का है ना, पैसे लेकर भी ये हालत होती है, और अभी तो बिना पैसे के भी इतनी मेंटेनेंस है, तो भाई और क्या चाहिए आपको। I felt it's paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. कि एक ऐसी प्लेस, इसको हम बोलते हैं सेल्फी पॉइंट, इसकी एंट्री देखो पीछे से, ये इसकी एंट्री है, और ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ के सेल्फी पॉइंट में, यहाँ से बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, और लोग ज़्यादातर जब भी यहाँ पे आते हैं तो सेल्फी इसी एरिया से लेते हैं, लिए तो हम कहीं से भी सकते, पर ये बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से, तो इसीलिए इन्होंने ये अलग से बनाया हुआ है। देखो ये अभी सेल्फी के मोड में पहले ही खड़े हो गया हो भाई।
ये देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ से ऐसे खड़े होके ना पूरा पार्क का व्यू दिखता है यहाँ से। और जो वेदर होता है तो भाई वो तो माशाल्लाह वो तो आपको पता ही है यहाँ का कितना सही है भाई। शक्ल पे मत ध्यान देना, मैंने मुँह ही धोया ना आया नोया नहीं हूँ मैं। व्यू देखो आप बस। तो गाइस आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, अगर आप आना चाहते हो, अगर ये ब्लॉग देख के अगर आपको कुछ अंदर से मन से हो रहा है कि हम भी आएँ, तो गाइस आपको इस ब्लॉग को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को बता देना सबको कि हाँ भाई कठुआ में एटलीस्ट इसको विज़िट करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। हाँ यार, जो मेरे ब्लॉग्स हैं थोड़े लेट आते हैं, मैं यही कोशिश में रहता हूँ। पीछे यार थोड़ी सी मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, थोड़ा अपना लाइफ का मसला था, तो इसलिए ब्लॉग्स लेट आया। अभी कोशिश करूँगा नए नए ब्लॉग्स आए और जल्दी जल्दी आए। तब तक के लिए जुड़ते रहो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफ़िज़।